8. वेदा बाहर बैकयार्ड में आए। गुरकिरत और बाकी सब उनसे पूछने लगे कि आखिर बेसमेंट में ऐसा क्या है, पर वेदा बस चुप्पी साधे बाहर निकल आए। उनके माथे पर आई लकीरें ये साफ साफ दर्शा रही थी कि बेसमेंट में कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो उन्हें चिंतित कर रहा है, और शायद उनके मन में कुछ चल रहा है। बैकयार्ड में खड़े वो उस जंगल की ओर देखने लगे। उन्होंने जंगल की ओर देखते ही देखते कहा, अक्षराज, क्या तुम अब मुझे सब कुछ सच सच बता सकते हो? कौन है ये और कौन था वो बेड़ियों में? जिस पर अक्षराज कहता, वेदांत, नियम हर दुनिया के होते हैं, चाहे वो इंसानी दुनिया हो, दैविक दुनिया या शैतानी दुनिया, और नियमों की पालना करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी इसकी उल्लंघना करता है, नियम को नहीं मानता है, तो कुछ ऐसी भी एंटिटीज होती हैं या कहे डीमन होते हैं जो नियमों की रक्षा करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी इन नियम को ना तोड़े, और जो नियम तोड़ता है उसे उसकी सजा दी जाती है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो शैतानी दुनिया में भी जेल होती है, जिसमें ऐसे डीमन्स को, ऐसी एंटिटीज को कैद करके रखा जाता है जो ये नियम तोड़ते हैं, और इन जेल की रखवाली करते हैं हायर बींग जैसे, जैसे वो एंटिटी जो रोज यहाँ पर रात को आती है। मान लो कि वो एक तरह की पुलिस है जो भागे हुए चोर को पकड़ने के लिए रोज यहाँ पर आती है, और जब तक वो उसे पकड़ नहीं लेगी वो जाएगी नहीं। वेदा कुछ कुछ बातें समझने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अक्षराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, वेदांत, मैकुलस कोई आम क्रिमिनल नहीं है। वो शैतानी दुनिया पर राज करना चाहता था, तो उसने शैतानी दुनिया के सबसे पावरफुल और हायर बींग को धोखे से मारना चाहा। शैतानी दुनिया के राक्षसों को, दैत्यों को उनके खिलाफ भड़काया ताकि वो उसके साथ खड़े हो सके, पर वो असफल रहा। पर हाँ, ये था कि उसके फॉलोअर्स हो गए काफी। उनमें से कुछ इंसान भी थे जो ऐसे दैत्यों की पूजा करते थे, और बदले में ये दैत्य उन्हें जो चाहिए था वो दे देते थे। मैकुलस को शैतानी दुनिया के जेल में कैद करके रखा हुआ था, और वो वहां से भाग गया। पर वो ऐसे भाग नहीं पाता, शायद किसी इंसान ने जो कि उसका फॉलोअर था, वो भी तुम्हारे जैसा ताकतवर होगा, उसको भी मंत्रों का या किसी चीज का ज्ञान होगा, तो उसने इसकी मदद से मैकुलस को इस घर में कैद कर दिया और ये निशान लगा दिए जिससे वो डिवाइन पावर इस घर के अंदर ना आ सके। उस इंसान ने कैसा पोर्टल बनाया जो जंगल में खुला, और वो मैकुलस को लेके सीधा घर में आया। उसके पीछे पीछे वो एंटिटी भी आई होगी, पर तब तक वो निशान आ चुके थे, तो वो घर के अंदर नहीं आ पाया। अब वो इस घर के अंदर ही छुपा हुआ है, और जब तक वो एंटिटी उसको लेकर नहीं जाएगी उसे चैन नहीं आएगा। ये सब सुनकर वेदा ने एक सवाल किया, अच्छा अक्षराज, मेरे एक और सवाल है, ये जो एंटिटी है वो एक ही दिशा की ओर क्यों देखती है? जैसे वो जब जंगल से आएगी तो भी बस जंगल की ओर देखेगी, और जब जंगल में जाएगी तो भी उसका मुंह जंगल की ओर ही रहेगा। मतलब कितना अजीब लगता है ना कि वो उल्टा चलते हुए आता है, और जब जाता है तो सीधा होता है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? जिस पर अक्षराज जवाब देता है, शायद वो जिस द्वार से आता है वो खुला रहता है, तो वो नहीं चाहता होगा कि कोई इस द्वार से अंदर जाए, तो वो उस पर ध्यान रखता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसे इस द्वार से शक्तियां मिलती हो, या होने को तो कुछ भी हो सकता है वेदांत। वेद अभी सोच में पड़ जाते हैं। पूरे घर की मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी, और अगर इसकी समरी की जाए तो ये रहेगी कि शैतानी जेल से एक पुराना कैदी मैकुलस इंसान की मदद से यहां पर भाग कर आ गया, और इंसान ने इस घर में ऐसे निशान बनाए जिससे वो एंटिटी जो मैकुलस को लेने आई वो अंदर नहीं आ पाई, और मैकुलस अंदर ही छुपा रहा, और शायद बाकी स्पिरिट्स यहां आकर रहने लगी क्योंकि यहां पर बहुत नेगेटिविटी थी। गुरकिरत की फैमिली जब आई उसने बैकयार्ड का वो निशान मिटा दिया, तो वो एंटिटी
अब सीधा घर की तरफ आ सकती थी, पर घर में नहीं। अभी भी वो एंटिटी रोज आएगी और आती रहेगी जब तक वो मैकुलस को ले नहीं जाती। पर वेदा अभी भी कुछ सोच रहे थे। वेदांत, क्या सोच रहे हो? देरी मत करो, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अगर उस एंटिटी को पता चल गया कि मैं यानी कि अक्सराज यहां पर हूं तो मुझे भी ले जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैकुलस की मदद मैं कर रहा हूं। और वैसे भी मैकुलस से हम जितना दूर रहें उतना ही बेहतर है। वेदांत, सुना नहीं क्या? चलो। जिस पर वेदा आगे की ओर बढ़ने लगे और जंगल की ओर जाने लगे। वेदांत, कहां जा रहे हो? जंगल में मत जाओ, मरवाओगे तुम मुझे। वो जंगल अभी उस एंटिटी के घेरे में है, उसका द्वार वही बीच में है। कोई वहां पर ना जाए इसलिए उसने वहां पर जाल बिछाए हुए हैं। कोई भी जंगल में जाएगा तो उसे उसका डर दिखाई देगा, और अगर तुम उस डर से जीत कर और आगे चले जाओगे तो तुम्हें वो दिमागी रूप से पागल कर देगा, जैसे तुम्हारे साथी एजेंट केपी को किया। वेदांत, पागलपंती मत करो, चलो यहां से। वेदा के कदम एकदम से रुके और वो बोले, अक्सराज हम नहीं जाएंगे। बात यहां पर गुरकृत के परिवार की नहीं, क्योंकि अगर मैं उन्हें इस एंटिटी से बचाना चाहूं तो वही सेम निशान हम यहां पर भी बना देते हैं, जैसे वो एंटिटी यहां पर नहीं आएगी। पर इससे पता क्या होगा, हम एक तरह से मैकुलस की मदद करेंगे। मैकुलस जो कि क्रिमिनल है, वो एंटिटी रोज आएगी, मैकुलस बचा रहेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये हो। मैं सीधा उस एंटिटी के पास जाऊंगा, उसे सच सच बताऊंगा और उसकी मदद करूंगा ताकि वो मैकुलस को पकड़कर ले जाए। ये सुन अक्सराज झटके से बोला, पागल हो वेदांत, मैंने तुम्हें पहले समझाया है कि वो एंटिटी इंसानों से दूर रहती है, और ऊपर से मैं यानी कि अक्सराज अगर उसे देख गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, उसे लगेगा कि मैं मैकुलस की मदद कर रहा हूं। वेदांत, मेरी बात को समझो, तुम तो जाओगे ही और मुझे भी लेकर जाओगे। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि पीछे से गुरकृत आया और बोला, वेदा जी आप हमारी मदद करेंगे या आप भी जा रहे हैं? जिस पर वेदा ने गुरकृत के हाथ को थामा और कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा और मेरे कोवर्कर का बदला भी लूंगा, आप चिंता मत करिए। ये सुन अक्सराज मन ही मन वेदा को कोसने लगा, पर वो कर भी क्या सकता था, वो वेदा के शरीर में था। वेदा ने एक सीधा सा प्लान बनाया, वो रात के 10 बजे ही जंगल की ओर जाएंगे जहां से वो एंटिटी आती है, फिर उसके बाद वो उस एंटिटी को सब कुछ सच सच बताएंगे और उसकी मदद करेंगे उस एंटिटी की घर में आने की, और फिर वो मैकुलस को पकड़ कर ले जाएगा, और मैकुलस के जाने के बाद वो द्वार बंद हो जाएगा, मैकुलस भी चला जाएगा और गुरकृत की फैमिली भी बिल्कुल खुशी खुशी रहेगी बिना किसी चिंता के। पर ये जितना आसान लग रहा था उतना आसान होने नहीं वाला था, क्योंकि अक्सराज ने बार बार वार्निंग दी वेदा को, पर वेदा कहाँ किसी की सुनते हैं, उन्हें जो सही लगता है वो वही करते हैं। खैर, वो इंतजार करने लग जाते हैं रात होने का। रात होते ही वो निकल जाएंगे उस जंगल में, वो जंगल जो उनके डर से, उनके दुख से और उनकी खुशियों से रूबरू करवाएगा और फंसाएगा माया जाल में। एक ऐसा माया जाल जिसे एजेंट केपी तक सह न पाया और उसने खुद की जान ले ली। क्या वेदा उससे बच पाएंगे? और अगर वो बच भी गए तो क्या वो उस एंटिटी से बच पाएंगे? अक्सराज बस यही सोच रहा था और यही सवाल वेदा के मन में भी चल रहे थे।